द्वारा विरचित न्याय दीपिका, इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने न्याय की अनेक परिभाषाएं पढ़ी थी, एक आध याद हो तो बता सकते हैं। ये तो सबको पता है, प्रमाण न्यायात्मको न्याय। वस्तु स्वभाव का ज्ञान कराए, वो तो चलो ठीक है, हो गई। अर्थ परिच्छेद को पायो न्याया, ठीक है। नितराम ईयते ज्ञायते अर्था अनेनिति न्याया, ठीक है। इस तरह से ये न्याय, न्याय शब्द किससे बना है? नि उपसर्ग पूर्वक इणगत धातु में घय प्रत्यय लगाकर न्याय शब्द बनता है, ठीक है। ये बहुत तरह की भाषा में हमने जाना, शास्त्रों की भाषा में जाना। बिल्कुल प्योर प्रयोजन परख यदि अपन को जानना हो तो असली न्याय क्या है, सीधा सीधा जो अपने काम का हो, असली न्याय क्या है, जो अपने काम का हो, बिल्कुल सही बात है, है ना। न्याय, न्याय का अर्थ था जो प्रमाणनयात्मक न्याय है, माने वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराने वाला, वो न्याय होता है। तो वस्तु स्वरूप में एक अपना आत्मा, वो भी वस्तु है, ऐसे अपने आत्मा का ज्ञान कराने वाला, अपने आत्मा को अपने आत्मा से मिलाने वाला, वह कहलाता है न्याय। ऐसे उस न्याय विषय पर अपन चर्चा कर रहे हैं, और न्याय की जो दीपिका है वह न्याय दीपिका। इसमें कल अपन ने देखा था कि प्रमाण और न्याय का विवेचन तीन प्रकार से होता है, उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा, तीन के द्वारा। उद्देश्य क्या है? विवेकतव्य नाम मात्र कथनम उद्देश्यः। और लक्षण निर्देश, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम। एक और दूसरी परिभाषा, बराबर परस्पर व्यति करे सती एनान्यत्वम लक्षते तल लक्षणम। ये लक्षण की परिभाषा हुई। अब कहा था द्विविधम लक्षणम, वह लक्षण कितने प्रकार का है, ठीक है सौरभ, कितने प्रकार का? दो प्रकार का। क्या नाम? प्रियांश। कितने प्रकार का लक्षण? दो प्रकार का। अरहम कितने प्रकार का? पहला आत्मभूत और दूसरा
अनात्मभूत, पहला आत्मभूत और दूसरा अनात्मभूत। आत्मभूत, आत्मा में भूत हो, क्या हो? आत्मा में भूत हो उसका नाम आत्मभूत, और आत्मा में भूत ना हो उसका नाम अनात्मभूत। कितना बढ़िया है। आत्मा में भूत का मतलब क्या समझना? आत्मा माने वस्तु, आत्मा माने वस्तु, कोई भी वस्तु हो, आत्मा भी एक वस्तु है ना। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब है आत्मा। क्या है सब? क्या है सब? कठिन तो नहीं लग रहा? जीव भी आत्मा है, उद्गल भी आत्मा है, धर्म भी आत्मा है, अधर्म द्रव्य भी आत्मा है, आकाश द्रव्य भी आत्मा है, और काल द्रव्य भी आत्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आत्मा माने वस्तु, तो जीव भी वस्तु है, उद्गल भी वस्तु है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये सब की सब क्या है? वस्तुएं हैं। पैर में हाथ मत लगाओ, अशुद्ध हो जाते हाथ। कनिष्ठ के आगे बैठते हैं अच्छा है, क्योंकि वो नए नए आते हैं, उन्हीं लोगों की आदत थोड़ी सी रहती गड़बड़, पता नहीं रहता है, तो हाथ लगाते हैं, अपने पैर छूते रहते हैं। अभी आदत नहीं ना कि दूसरों के पैर छूना चाहिए, इसलिए अभी आए हैं नए नए तो अपने अपने पैर छूते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है ना, सागर हो जाती ना कनिष्ठ में, कनिष्ठ में फिर धीरे धीरे आदत बन जाती बाद में। सही, ठीक है। तो आत्मभूत क्या हो गया? ये जितनी भी वस्तुएं हैं, जीव, उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, सब की सब क्या है? आत्मा है। आत्मा है माने वस्तुएं हैं, और इनमें जो पाया जाए वो सब कहलाएगा आत्मभूत। जीव में पाया जाए ज्ञान तो कहलाएगा उसका आत्मभूत। उद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये कहलाएंगे उसके आत्मभूत। उद्गल के धर्म द्रव्य में गति है तो आत्मभूत है, अधर्म द्रव्य में स्थिति है तो आत्मभूत है, आकाश द्रव्य में अवगाहन है तो आत्मभूत है, और काल द्रव्य में परिणमन है तो आत्मभूत है, क्योंकि यह उसी में पाया जाता है, अन्य में नहीं पाया जाता। ठीक है, थोड़ा सा नया होगा क्योंकि अपन न्यायजीव का हमेशा इतने पढ़ लेते हैं। लक्षण दो प्रकार के, एक आत्मभूत अनात्मभूत, वस्तु के स्वरूप में पाया जाए वो आत्मभूत, उसमें ना पाया जाए वो अनात्मभूत। फिर इतना डिटेल से नहीं जान पाते उस समय। तो ये वस्तुएं जितनी जितनी है संसार की, उन वस्तुओं में जो हमेशा पाया जाए वह कहलाता है आत्मभूत लक्षण। उस लक्षण के द्वारा उस वस्तु की पहचान होती है। जब जब भी गति हेतुत्व की चर्चा होगी तो कौन से द्रव्य की याद आएगी? धर्म द्रव्य की याद आएगी। उस गति हेतुत्व नामक चिन्ह के द्वारा, लक्षण के द्वारा अन्य द्रव्यों से उसको पृथक किया जाएगा, भिन्न किया जाएगा। इसलिए धर्म द्रव्य का गमन गति हेतु यह कहलाएगा आत्मभूत लक्षण। ठीक है, समझ में आ रहा है आकाश? कितना है? 100% आ रहा ना? अच्छा कहा तुमने, यदि तुम कहते ना थोड़ा थोड़ा तो फिर गुस्सा आती मुझे। मैंने इतना तो पहली वाला समझ सकता है, नहीं समझ सकता। ये प्रियांश अभी आया है, इसको समझ में आ गया होगा। गति हेतु तो किसका लक्षण है? धर्म द्रव्य का। ठीक है, क्योंकि ये किस में पाया जाता है? धर्म द्रव्य में ही पाया जाता है, अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता, इसलिए उसका आत्मभूत है। ठीक है, और यह लक्षण क्यों है?
क्योंकि अन्य द्रव्यों से उसको भिन्न करता है, पृथक करता है, इसलिए उसका आत्मभूत लक्षण है। और अनात्मभूत कौन सा लक्षण होता है? जो वस्तु में तो ना मिला हो, वस्तु के स्वरूप में तो ना मिला हो, फिर भी वह किसी न किसी की पहचान कराता है, पहचान का चिन्ह बनता है, बहुतों में से उसको अलग करता है, इसलिए वह भी लक्षण कहलाता है। यदि अपन नयों की भाषा में कहें तो एक तरह से यह जो अनात्मभूत लक्षण है, एक यह व्यवहारिक लक्षण है और आत्मभूत लक्षण है वह निश्चय वाला लक्षण है। क्या बोले अनेकांत? आत्मभूत लक्षण जो है वह कैसा है? एक बोला सो दूसरे तुरंत भेड़ चाल में चल चले। आत्मभूत लक्षण, एक जन ने व्यवहार बोला सो सब व्यवहार बोलने लग गए। और अनात्मभूत लक्षण व्यवहार वाला है, माने जैसे बताया था, इसमें उदाहरण क्या दिया था? आत्मभूत का उदाहरण क्या दिया था? यसा अग्नि औष्ण्यम, ठीक है, अग्नि की उष्णता, अग्नि की उष्णता या अग्नि का कौन सा लक्षण है? आत्मभूत, क्योंकि उष्णता हमेशा अग्नि में ही सदाकाल विद्यमान है, इसलिए उष्णता अग्नि का लक्षण है। भूतकाल का है कि वर्तमान का के भविष्य का? तीनों काल का है। 100 साल पहले अग्नि गर्म थी कि ठंडी थी, और आज? और 1000 साल बाद कैसी होगी? तो हमेशा ही गर्म रहती ना, इसलिए वह उसका परमानेंट लक्षण है। कैसा लक्षण है? परमानेंट, इसलिए वह आत्मभूत उसी में ही पाया जाता है। जल की शीतलता, यह उसका कौन सा लक्षण है? आत्मभूत लक्षण है। नमक का खारापन आत्मभूत लक्षण है। शक्कर का मीठापन आत्मभूत लक्षण है। नींबू का खट्टापन उसी में पाया जाए, सदा काल पाया जाए, माने भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी और भविष्य में भी होगा। होगा कि नहीं होगा कि कुछ बदल जाता है जगह बदलने से? अर्पित, 7 मंजिला मकान है, कितने मंजिला? पहली मंजिल पे तुम्हें एक रसगुल्ला दिया, खाया, कैसा लगा? अच्छा लगा कि मीठा लगा? मीठा लगा। अब कहा कि थोड़ा सा खा लिया, अब अगली मंजिल पे जाके खाओ, दूसरी मंजिल पे जाके, कैसा लगा? कुछ चेंज हुआ स्वाद में? क्यों, दूसरी मंजिल पे चेंज होना चाहिए ना? नहीं हुआ। एक ही होता है, सही बात है। तीसरी मंजिल पे जाओगे तो भी वैसा ही होगा, क्योंकि क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता, काल से प्रभावित नहीं होता। ये जो त्रिकाल रहता है हर क्षेत्र में, जो सदाकाल बना रहे, हमेशा रहे, वह लक्षण आत्मभूत है। ठीक है, इतना पक्का हो गया। अब अनात्मभूत के बारे में कहा कि जो मात्र एक व्यवहारिक रूप से पहचान का चिन्ह होता है, जैसे यहां उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण दिया था? पुरुष का डंडा, दंडी पुरुषस्य या पुरुषस्य दंडा, ठीक है, तो डंडे वाला पुरुष है, अलग से उसकी पहचान कराई गई, इसलिए उससे पता चल गया कि यह है, इसका लक्षण है, और उससे सभी पुरुषों से वह डंडा उसको भिन्न करता है। ठीक है, ये सब हो गया, ये हो गया अनात्मभूत लक्षण। अब थोड़ा आज इसका आध्यात्मिकीकरण करना है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा तो सबने पढ़ी है, लेकिन आज थोड़ा सा जिन्होंने समय सार पढ़ा है उनके लेवल का, जिनने नहीं पढ़ा है उनको भी ख्याल में आए थोड़ा कि अपन इतने लक्षण ही पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इससे निकलता क्या प्रयोजन, क्या सिद्ध होता है? ये आत्मभूत है, अनात्मभूत, लेकिन कहना क्या चाहते हो? असली इसमें माल क्या है? इससे हमें क्या फायदा है समझने से?
तो थोड़ा सा इसको और नयापन करते हैं अध्यात्मिक अध्यात्मिकीकरण कैसा, अनात्मभूत से चलते हैं आत्मभूत की ओर, कहां से अनात्मभूत से आत्मभूत की ओर, थोड़े से नए तो आते हैं सबको। और उसका लक्षण गंगा बनाया, ठीक है, और उसका लक्षण कुंडल बनाया, और उसका लक्षण घुंघराले बाल बनाए, और उसका लक्षण टोपी बनाया, और उसका लक्षण चश्मा बनाया। ये सारे जो उदाहरण दिए जा रहे हैं ये सब कैसे हैं, अनात्मभूत तो हैं ही, लेकिन ये सब शरीर से बाहर वाले, ये बाल वाले को छोड़ दो, चश्मा डंडा कपड़े कुंडल जितने भी हैं, पगड़ी टोपी, ये सब क्या होंगे, बिल्कुल शरीर से बाहर वाले। इनको यदि लक्षण बनाया जाता है, ये लक्षण कहलाते हैं कौन से, अनात्मभूत। लेकिन यदि थोड़ी सी नयों की भाषा में समझें तो थोड़ा सा जिसको ध्यान हो, ये कौन से नय का कहलाएगा, व्यवहार नय का। व्यवहार नय में भी कौन सा, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का लक्षण, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का लक्षण अनात्मभूत है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अपन बनाते हैं अब अनात्मभूत लक्षण, इसके और थोड़े निकट आते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनमें से जो वृद्ध व्यक्ति है उसको बुला के लाओ, सबसे पहले उनका ही सम्मान किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो सम्मान हो रहा हो तो जो सबसे ज्यादा वृद्ध हो उनको बुला के लाओ। तो जो वृद्ध है ये लक्षण है कि नहीं है, कैसे पता, क्योंकि अलग कर रहा है, परस्पर मिले हुए लोगों में से वह वृद्धपना वृद्ध अवस्था सब में से उसको अलग कर रही है, उस चिन्ह के द्वारा सबको अलग कर रही है, इसलिए वही भी लक्षण कहलाएगा। बच्चे को बुला लो सबसे पहले, एक ही बच्चा है मान लो तो उसको बुला लो, तो वह भी क्या है, बालक, बालक अवस्था, यह भी क्या है, लक्षण है, इससे सबसे अलग कर रहा है। यह भी कौन सा लक्षण है, आत्मभूत है कि अनात्मभूत है बता दो पहले, तो कौन सा है, अनात्मभूत है, क्यों, बच्चा तो है, क्योंकि ये वस्तु के स्वरूप में आत्मा में मिला हुआ नहीं है, ये बिल्कुल पक्का कर लो। आत्मा के अंदर वस्तु में एक में एक हो, त्रिकाल एक में एक हो तो वह आत्मभूत है, लेकिन शरीर त्रिकाल है क्या, तो फिर ये आत्मभूत हुआ कि अनात्मभूत, अनात्मभूत। तो ये जो लक्षण बनाया जा रहा है यह अनात्मभूत है, तो हम भी अपनी जो पहचान करते हैं कौन से लक्षण से करते हैं, अनात्मभूत, तो ये अच्छा है कि बुरा है, हमारी पहचान किससे होना चाहिए, अपन करी करें देह में मेरी पहचान, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको, तो शरीर से अपनी पहचान कर रहे हैं हम, अपना लक्षण अपने शरीर से बनाते हैं, फोटो किसकी, किसकी, मेरी के आत्मा की, मेरे शरीर की है ना, शरीर की फोटो है, तो उस फोटो को हम अपना मानते हैं, मानते कि नहीं, तो हमारी सही पहचान है, तो ऐसे ऐसे कर रहे, हाँ कर रहे कि ना कर रहे। शरीर किसका है, आत्मा का नहीं है, शरीर का ही है, इसलिए शरीर तो अपना है नहीं, इसलिए ये जो लक्षण बनाया ये लक्षण कौन सा हुआ, अनात्मभूत, क्योंकि यह आत्मा से बाहर है, कौन, शरीर, शरीर आत्मा से बाहर है, इसलिए यह जो लक्षण बनाया गया इसको नए की भाषा में क्या कहेंगे, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, कौन सा, किस नय से, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से, इस शरीर को अपना कहते हैं हम, तो यह जो लक्षण अपना बनाया शरीर से है ना, यह किसका लक्षण हुआ, कौन सा लक्षण हुआ, ये
अनातुहूत लक्षण हुआ, इसलिए इससे हम अपनी पहचान करते हैं कि ये मैं हूं। यह पहचान मिथ्या है, क्योंकि ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। त्रिकाल मेरे में पाए जाने वाला नहीं है, तो अभी कुछ ही समय के लिए मिला है और फिर चला जाने वाला है। तो इस क्षणिक लक्षण जो बनाए गए, ये अनातुहूत लक्षण है, ये मेरा लक्षण नहीं हो सकता है। दो हो गए, अब इसके बाद और बढ़े आगे। कहां बढ़े? क्रोधी, ये बहुत गुस्सेल हैं। कैसे हैं? गुस्सेल हैं, हमेशा देखो गुस्से ही करते रहते हैं। जब देखो गुस्से ही करते रहते हैं, नाम ही रख दिया गुस्सेल। क्या नाम रख दिया? तो ये जो गुस्सेल जो लक्षण बनाया, वो भी लक्षण है कि नहीं? क्योंकि सब में जितने लोग हमारे आमने सामने हैं, उन सभी में सबसे ज्यादा गुस्सा हमें उनमें दिखाई देता है। तो उस गुस्सेल नामक लक्षण के द्वारा, चिन्ह के द्वारा, उस व्यक्ति को सबसे अलग किया जाता है। इसलिए वही क्या हुआ? लक्षण हुआ। क्या हुआ? आत्महूत हुआ कि अनात्महूत? क्यों अनात्महूत हुआ? क्योंकि आत्मा का त्रिकाल लक्षण कितने समय तक रहता है? क्षणिक है, एक समय में उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। इसलिए जो क्रोधादि भाव, रागादि भाव, ये सारे भाव जीव के स्वभाव नहीं बल्कि विभाव हैं। और जो विभाव है वो आत्महूत होंगे कि अनात्महूत? अनात्महूत। इसको किस नए से, यदि अपन नए से देखना हो तो किस नए से लगाएंगे? यदि व्यवहार नए से देखना हो तो उपचरित सद्भूत व्यवहार नए, उपचरित सद्भूत व्यवहार नए। ये कनिष्ठ वालों को थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, है ना? कोई बात नहीं, सबको भी मिले विषय इस दृष्टि से। यदि निश्चय नए से देखना हो तो क्रोधी व्यक्ति कौन से नए से? अशुद्ध निश्चय नए से। यह क्रोधी है, यह मानी है, यह मायाचारी है, यह लोभी है। ऐसा जो लक्षण बनाया, वह भी लक्षण तो है, लक्षण होने पर कौन सा है? अनात्महूत है, क्योंकि क्रोध आदि जीव के त्रिकाल नहीं है, आत्महूत नहीं है। आत्मा में हमेशा पाए जाते हो ऐसा नहीं है। कैसे माने? प्रूव करो। प्रूव कर देते हैं। सिद्ध भगवान है क्या उनमें रागादि? नहीं है। इसका मतलब जीव में त्रिकाल नहीं पाए जाते हैं। यदि जीव में त्रिकाल हो तो वो उसका परमानेंट लक्षण बने, आत्मभूत बने, लेकिन आत्मभूत तो होता नहीं। सिद्ध भगवान की तो रागादि है नहीं। इस कारण से यह क्रोधी, मानी, मायावी जो लक्षण बनाया जा रहा है, यह लक्षण असली नहीं है। ये लक्षण हमारा असली नहीं है। क्या गजब है कि अंदर के जो कषायु परिणाम भी हमारे असली लक्षण नहीं है, तो फिर बाहर के जितने भी पद वाले हम अपने लक्षण बनाते हैं, ये सेठ जी, ये सिंघई जी, ये चौधरी जी, ऐसे बनाते ना, सबके होंगे कोई ना कोई, कोई ना कोई। ये सब क्या है? ये सारे लक्षण, ये सब पोस्ट वाले हैं। कैसे वाले हैं? सब उपाधि वाले हैं, ये त्रिकाल रहने वाले नहीं है। जो त्रिकाल रहे, आत्मा में रहे, वही लक्षण। कौन सा लक्षण? आत्मभूत लक्षण। अब आगे बढ़े, अब और आगे बढ़ते हैं। आत्मा में जो निर्मल पर्याय उत्पन्न होती हैं, कौन सी पर्याय? निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शनादि पर्याय, केवल ज्ञानादि पर्याय। अब मुझे बता दो, ये सम्यक दर्शनादि पर्याय जीव के लक्षण हैं, आत्मा के लक्षण हैं? बताओ, आत्मभूत है कि अनात्मभूत? क्यों है अनात्मभूत? क्योंकि निर्मल पर्याय भी एक समय की पर्याय हैं, सम्यक दर्शनादि पर्याय। यदि निश्चय नए से लगाओगे तो कौन से निश्चय नए से? एक देश शुद्ध निश्चय नए से। अभी कहां पर हम पर पहुंच गए? कौन से निश्चय नए से? एक देश शुद्ध निश्चय नए से।
ठीक है, परम पे तो पहुंचेंगे लास्ट में, ठीक है, हो गया। अब और आगे बढ़े, केवल ज्ञान पर्याय जीव की है, साक्षात शुद्ध निश्चय ऐसे, लेकिन कहते हैं केवल ज्ञान पर्याय भी एक समय की है, इसलिए है कैसी आत्मभूत नहीं बल्कि अनात्मभूत है। किसी अपेक्षा से तो कह सकते हैं आत्मभूत इनको, कभी कभी निर्मल पर्यायों को जीव का कहा जाता है ना, जैसे अभी अपना कर्ता कर्म अधिकार में चल रहा था, इस अपेक्षा से आत्मभूत कह सकते हैं, लेकिन अभी ओरिजिनल नहीं, क्योंकि हमें जिस पे पहुंचना है त्रिकाली लक्षण पर, त्रिकाली ध्रुव पर पहुंचना है, वह असली लक्षण तो है आत्मभूत लक्षण, और ये क्षणिक पर्याय आत्मभूत नहीं है। तो फिर आगे बढ़े, कहां पहुंचे, किस पर पहुंचना है, परम शुद्ध निश्चय वाले पर, जहां पर आत्मा विकारी परद्रव्यों से तो भिन्न है ही, शरीर से तो भिन्न है ही, अंदर उत्पन्न होने वाले राग आदि से तो भिन्न है ही, बल्कि निर्मल पर्यायों का भी उसमें प्रवेश नहीं है। जहां एक त्रिकाली ध्रुव दिखाई देता हो, अनादि अनंत तत्व दिखाई देता हो, जिसमें ज्ञान 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 की प्रतिपल उठे तरंग झांकता, उसमें आत्म राम। जहां पर वह त्रिकाली ध्रुव दिखाई देता हो, वही वास्तव में आत्मा का असली लक्षण है, आत्मभूत लक्षण है। जिस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो, निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करना हो, तो ये असली आत्मभूत लक्षण को अपनाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। समझ में तो नहीं आ गया ज्यादा है, कठिन लगा होगा थोड़ा, मैं थोड़ा सोचता रहता हूं कि न्यायाधीप का तो थोड़ी थोड़ी सबने पढ़ ली है, लेकिन थोड़ा नया क्या मिले, पुराना भी रिवीजन हो जाए, और जिनने नहीं पढ़ा है तो उनका भी हो जाए, और नया कुछ ना कुछ तो मिले, तो आध्यात्मिक दृष्टि से सोचते रहते हैं थोड़ा। अब देखो, अपन ने आत्मभूत अनात्मभूत परिभाषाएं तो पढ़ ली ऐसे ही बहुत बार, कई सालों से पढ़ लिए, जब भी पूछो आत्मभूत क्या, वो अग्नि की उष्णता दिखती है और अनात्मभूत देवतत्व का डंडा दिखता है, बस इसके अलावा कहानी खत्म हो जाती है। परीक्षा में भी आ जाता है तो आत्मभूत की परिभाषा वो, अनात्मभूत की वो, दो नंबर मिल जाते हैं, वरिष्ठ पास, इससे आगे क्या होता है। लेकिन अपन विचार करें, चिंतन करें कि वास्तव में एक कहे क्यों आचार्यों ने, विद्वानों ने, मुनिराजों ने, माने ये जो लक्षण कहे ऐसे वैसे नहीं है कि बस इतने एक एक उदाहरण दे के कर दिया पूरा, एक एक उदाहरण दे के कहा है, लेकिन उनके उसके अंदर गहराई कितनी है, उनके अंदर तो थी, वो हमें पकड़ना पड़ेगी, खोजना पड़ेगी कि वास्तव में आचार्य ने आत्मभूत कह के क्या कहना चाहा है और अनात्मभूत कह के क्या कहना चाहा है। कि लक्षण तो बताए, लेकिन अब हमें उन लक्षणों से हमें पहचान करना है, तो पहचान करना है तो हमें किसकी पहचान करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो हमें समझना पड़ेगा। तो बताओ पारस, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो कौन से लक्षण को अपनाना पड़ेगा, आत्मभूत लक्षण को। उस आत्मभूत लक्षण में आत्मा दिखाई देगा, कौन दिखाई देगा, आत्मा दिखाई देगा, लेकिन वह आत्मा कैसा आत्मा दिखाई देगा, एक अखंड ध्रुव त्रिकाली जो रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न, ऐसा है पढ़ा ना, मैं ज्ञानानंद स्वामी क्या है, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं, इतना ही। और मैं हूं अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूं, यह है आत्मभूत लक्षण। क्या गजब है, दो लाइन में, रंग राग से भिन्न, भेद से है? रंग माने हो गया ये द्रव्य कर्मादिक सब वर्णादि, राग में सारी कसाएं आ गई,
भेद से भिन्न कि आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि गुणों का भेद भी नहीं, अभेद। रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं, मैं हूं अखंड, खंड खंड नहीं होता, मैं हूं अखंड चैतन्य पिंड, चैतन्य का ही पिंड हूं और निज रस में रमने वाला। ऐसा लक्षण जिसमें किसी भी तरह का कोई भेद नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता, कोई पक्ष नहीं होते, ऐसा त्रिकाली अखंड एक आत्मा, वही वास्तव में आत्मभूत है, आत्मा विद्यमान है, दृष्टि का विषय भी वही है, अन्य कोई नहीं। इस तरह से चिंतन करेंगे तो एकदम सही अध्यात्म निकलेगा। ठीक है, आ रहा थोड़ा थोड़ा समझ में, तो पूछ ले फिर। चलो मैं पूछता हूं, मैं बोलूंगा कि कौन सा लक्षण तो आपको बताना है, आत्मभूत के अनात्मभूत। ठीक है, बताओगे? घड़ी वाला आदमी हाजिर हो, आत्मभूत के अनात्मभूत? अनात्मभूत। अच्छा भी बताओ, अनात्मभूत में भी कौन से लय वाला? उपचरित असद भूल व्यवहारने वाला। ठीक है, बौना आदमी हाजिर हो, नहीं समझे, शॉर्ट हाइट वाला, ठेगना आदमी, ठेगना आदमी धरा जाओ, शॉर्ट सबसे कम हाइट वाले धरा जाओ, एक कौन सा आत्मभूत के अनात्मभूत? अनात्मभूत। कौन से नए वाला? अनुपचरित असदभूत व्यवहार नए वाला। वो गुस्सेला को बुलाओ, किसको? क्या मतलब गुस्सेल? एक एक कौन सा लक्षण हुआ गुस्सेल? क्रोधी। उमायचारी को बुलाना जरा, किसको? मायाचारी, जानते हो मायाचारी कौन है? हाँ पता है ना, बुलाओ उसको, बुलाओ जल्दी बुलाओ। तो क्या कौन सा हुआ ये लक्षण? अनात्मभूत। वो लोभी लालची, लोभी लालची कौन सा लक्षण हुआ? अनात्मभूत लक्षण हुआ, क्योंकि ये लोभ लालच राग द्वेष मोह कसाएं ये सब जीव के कौन से भाव हैं? विभाव भाव हैं, स्वभाव भाव नहीं। और जो विभाव भाव हैं वो आत्मा के कैसे हो सकते हैं? इसलिए वो कैसे हुए? अनात्मभूत। अभी होने को समय सार में जो कर्ता कर्म अधिकार चल रहा था, उस दृष्टि से तो अज्ञानी को रागादि भावों का कर्ता कहा, किसका किसको कर्ता कहा? अज्ञानी को रागादि का कर्ता कहा और ज्ञानी को ज्ञान भाव का कर्ता कहा। वहां विवक्षा अलग है, यहां सीधे परम शुद्ध निश्चय पर जाना है, त्रिकाली ध्रुव पे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, इसलिए सीधे वहां पहुंचना है, प्योर आत्मभूत की बात करना है। नहीं तो देखा जाए तो रागादि भावों को जीव का कहना कथनचित भी आत्मभूत है, क्योंकि किसमें पैदा होते हैं? जीव में ही पैदा होते हैं, इसलिए कथनचित आत्मभूत भी हैं। आत्मा में उत्पन्न होने वाली जो निर्मल पर्याय हैं, यदि देखा जाए तो कथनचित वो भी आत्मभूत हैं, क्योंकि किस में हुई? आत्मा में हुई, इसलिए वो कैसी हुई? आत्मभूत। लेकिन यहां पर अभी भेद विज्ञान की चर्चा करना है, त्रिकाली ध्रुव की चर्चा करना है, त्रैकालिक आत्मा का लक्षण बताना है, तो उसके लिए असली आत्मभूत कौन सा होगा कि जिसमें बाहर की वस्तुएं तो है ही नहीं, शरीर भी नहीं है, क्रोधादि भाव भी नहीं है, और यहां तक कि आत्मा में उत्पन्न होने वाली निर्मल पर्यायों से भी भिन्न, ऐसे उस आत्मा को देखना है, वही वास्तव में आत्मा का
आत्मभूत लक्षण है। कल आदमी को बुलाओ, कौन सा लक्षण हुआ ये? अनात्मभूत। गोरे आदमी को बुलाओ, मोटे को बुलाओ, मोटे को बुलाओ अनात्मभूत, हड्डी को बुलाओ है ना, दुबले पतले आदमी को हड्डी कह देते हैं ऐसे ही है ना। तो ये सब कौन से लक्षण हुए? अनात्मभूत लक्षण हुए। क्यों हुए? कनिष्ठ वालों में से कौन बताएगा अनात्मभूत क्यों हुए? कोई बता सकता है? सोचना पड़ रहा है ना वरिष्ठ में से। चलो बहुत सारे लोग बता रहे, सभी बता रहे लगभग, बढ़िया। चलो अनिकांत, हाँ चलो, तुम्हें कुछ और कहना है अलग? यही है सबका आंसर। ये जो शरीर है ये आत्मा में नहीं पाया जाता है, आत्मा से भिन्न है, इस कारण से यह कौन सा हुआ? अनात्मभूत। आत्मा में हो सो आत्मभूत, आत्मा में ना हो सो अनात्मभूत। सीधी सी तो बात है। तो आत्मा में शरीर है क्या? नहीं है, इसलिए क्या हुआ? ये अनात्मभूत हुआ। ठीक है, सरल लग रहा कि नहीं अभिषेक? प्रफुल्ल जम रही बात करी, जम रही पड़ा सा ऐसा फिर। ठीक है, अपन ने इतना पढ़ा, इस तरह से बहुत एंगल से देखने का प्रयास किया। ठीक है, संयम समझ में आ रहा है? एक आध उदाहरण बताओगे आत्मभूत अनात्मभूत का? दर्शन सही से लक्षण भी बताना चाहिए। लक्षण ये सारे आत्मभूत लक्षण, अनात्मभूत लक्षण। तो ये ऐसा नहीं, ऐसा पहले तो उसको ऐसा बताओ कि कुर्ते वाला आदमी, कुर्ते वाले को बुलाओ, तो ये क्या हुआ? लक्षण तो हुआ, लेकिन कौन सा लक्षण हुआ? अनात्मभूत लक्षण हुआ। अब अनात्मभूत क्यों हुआ? क्योंकि यह कुर्ता आत्मा में नहीं है, आत्मा से भिन्न है, इसलिए अनात्मभूत है। बैठ जाओ। ये आत्मा के देखना, यहां ध्यान रखना, आत्मा का मूल अर्थ तो यहां पर है वस्तु। ठीक है, आत्मा का अर्थ आत्मा ही बस नहीं है, आत्मा का मूल अर्थ तो है वस्तु। वस्तु कोई भी हो सकती है। ठीक है, बताई दिए थे धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। अच्छा चलो ठीक है, अभी जो हमने कहा था ना, काले व्यक्ति को बुलाओ के गोरे व्यक्ति को बुलाओ के सांवले को के गेहूं वाले को के कैसे वाले को। अच्छा ये बताओ कि ये तो जीव के लिए कह रहे थे, अब कहा कि काली कुर्सी लाओ। तो अब मुझे बताओ ये जो काली कुर्सी है एक कौन सा लक्षण है? आत्मभूत के अनात्मभूत है? अच्छे से सोचो, आत्मभूत के अनात्मभूत। कई लोग तो आत्मभूत कह रहे हैं, अनात्मभूत कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है, एक दो तुम ही बोल रहे हो, यही बोल रहा है, चार पांच लोग बोल रहे हैं अनात्मभूत और बाकी आत्मभूत। आत्मभूत कितने बोल रहे हैं? ये भी पूछ रहे हैं। तो कुछ तो ऐसे होंगे कि आप तो जहां हाँ कह दो हम कह देंगे उसको ही वोट दिया है, जो चुनाव जीत गया हमने तो उसको ही वोट दिया था। आत्मभूत वाले भी चार पांच ही दिख रहे हैं, माने बाकी के तो पता ही नहीं कि किस में पार्टी में है। चलो काली कुर्सी, कुछ बोल रहे हैं आत्मभूत कुछ अनात्मभूत। अच्छा ये लॉजिक दे सकते हो कि किसी ने कहा अनात्मभूत तो क्यों?
काली कुर्सी आत्मभूत है। क्यों क्यों? हाँ बोलो। बैठ जाओ। बराबर इतना सा है। ये पुद्गल का आत्मभूत हुआ, जो काली कुर्सी है, कुर्सी तो पुद्गल है ना, और पुद्गल का जो काला वर्ण है वह तो उसका क्या है, आत्मभूत है। स्पर्श रस गंध वर्ण किसके है? पुद्गल के हैं। तो पुद्गल का तो आत्मभूत हुआ ना। हाँ ये कहते कि मेरी कुर्सी, किसकी कुर्सी, या कुर्सी वाले को बुलाओ। कुर्सी वाले को बुलाओ तो फिर वो जीव की तरफ से बात चल रही थी तो वो कहलाएगा वहां अनात्मभूत। लेकिन कुर्सी का कुर्सी के लिए ही तो कह रहे, तो ये उसका तो पुद्गल के लिए लक्षण हो गया कौन सा, आत्मभूत, क्योंकि वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ है। जो वर्ण है वह किसका है, पुद्गल का है। क्या गजब है, ये जो शरीर पे जो अपना रंग है ना, रंग रूप, ये सारा का सारा अपने लिए तो अनात्मभूत है और पुद्गल के लिए आत्मभूत है। इससे सिद्ध हो गया कि पुद्गल की आत्मा है, माना पुद्गल जो आत्मा है उसका है सारा शरीर, ये हमारा नहीं है, उसका वो है आत्मभूत उसका। ये वर्ण है ये पुद्गल का आत्मभूत है, जीव का आत्मभूत नहीं है, जीव वस्तु का नहीं है। ठीक है दीपक, बहुत वैरायटी से अपन प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल भेद विज्ञान जैसा प्रकरण चले। ठीक है, समय भी अपना लगभग हो गया। ठीक है, आज इतना ही मुख्यतः से इसको ही समझना था कि अपन एक परिभाषाएं तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन उसमें हमें ये समझ में आना चाहिए कौन किसका आत्मभूत कौन किसका अनात्मभूत। ये सारे लक्षण हैं, चिन्ह हैं पहचान के, और हमें तो अपना लक्षण ध्यान में रखना है कि मेरा लक्षण आत्मभूत लक्षण क्या है, मात्र जानना मेरा काम जो है वही है मेरा लक्षण। ठीक है, धर्मादिक द्रव्यों के सब बताई दिए इस तरह से, किसके कौन आत्मभूत किसके कौन अनात्मभूत। तो हमें तो जब पता चल गया कि हमारा आत्मभूत लक्षण एक ज्ञान स्वभाव है तो हमें ऐसा जानकर उसमें ही अपनत्व करना चाहिए, क्योंकि वही अपने आत्मा में मिला हुआ है, वही त्रिकाली है, तादात्म्य है, कभी हमसे अलग होने वाला नहीं है। ऐसा जानकर जो त्रिकाल हमारे साथ रहे उसको हम अपना माने। किसको, तुम किसके मम्मी पापा को अपना मानते हो? क्यों प्रियांश, अपने मम्मी पापा को मानते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे हैं। कि दूसरे के मम्मी पापा मिल गए तो दोस्त के तो नहीं, वो तो औपचारिक कहने के लिए अपन भी कहते हैं मम्मी पापा, लेकिन वो मेरे जो अपने उनको अपना कहो, होने को ये भी सब लोग व्यवहार है ना। लेकिन असली में अपना क्या है, आत्मा में आत्मा, और अपना क्या है, ज्ञान आदि जो है वो सब अपने हैं, तो उसको ही अपना कहें। और अपने आत्मा के अलावा, अपने आत्मा के अंदर पाए जाने वाले ज्ञान आदि गुणों के अलावा अन्य कुछ भी मेरा नहीं है, आत्मभूत नहीं है, ऐसा जान के निरंतर भेद विज्ञान करने का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह से अपन ने आत्मभूत और अनात्मभूत दो प्रकार के लक्षणों की चर्चा की। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट, कल अपन असाधारण धर्म वचनम इसकी चर्चा करने वाले हैं, जो बहुत थोड़ा सा क्लिष्ट विषय लगता है लोगों को, जटिल लगता है, बोर्ड की व्यवस्था पहले से करना, चौक बोर्ड सब ठीक है, उस पर ही लेंगे तो जिससे एकदम क्लियर हो। ठीक है, अभी अपन विराम लेते हैं।